शाह फैसल कॉलोनी आ चुके हैं और शाह फैसल कॉलोनी का ये 3 नंबर का एरिया है, पीछे चौक भी है, चौरंगी है। और यहाँ जानते हैं, यहाँ पूछते हैं कि शाह फैसल कॉलोनी पे कौन कौन सी अच्छी बिरयानी मिल रही है। पहला सेगमेंट जो है कराची का बड़ा एरिया हमने कवर कर लिया, 5 वीडियोज बनाई औरंगी टाउन की। ओवरऑल मेरा रिव्यू है औरंगी टाउन की बिरयानी क्वालिटी वाइज अच्छी होती है, लेकिन जायके में थोड़ा सा इनहेंस करें तो मजा दोबाला हो जाए, लेकिन रेट के लिहाज से, सस्ताई के लिहाज से बेहतरीन है। इस वीडियो को शुरू करते हैं, शाह फैसल कॉलोनी का एरिया घूमते हैं और यहाँ की अच्छी बिरयानी तलाश करते हैं। आ जाए मेरे साथ। बंद कीजिए, खाओ पियो मजे करो। Check the mic and make sure it sound right, boys. खाओ पियो मजे करो। हमारी ऑडियंस जानना चाहती है शाह फैसल की बेस्ट बिरयानी कौन सी। बेस्ट बिरयानी का नाम लेंगे तो इस टाइम जो मतलब आवाम बैठ के जो खाती है यहाँ पर ना टीओ पे और शॉपों वगैरह पे, तो इस टाइम हाजी तौकीर से अच्छी बिरयानी किसी की नहीं। बताएं लोगों को हमारे के यहाँ शाह फैसल की कौन सी अच्छी बिरयानी। देखिए शाह फैसल के अंदर जो है ना प्यारे भाई 3-4 नाम है जो बिरयानी के बड़े नाम है। एक बिस्मिल्लाह बिरयानी है, बिना से एक याहिया बिरयानी है, एक तौफीक बिरयानी। ओके, ये तीनों बिरयानी माशाल्लाह से अच्छी है। तीनों में सबसे अच्छी नंबर वन पे किसको रखेंगे यार? जिसके पास जो है ना मतलब ये भूख ज़्यादा हो और टाइम मिल जाए वही अच्छी होती है। बाल ये है कि अगर टाइम भी हो पैसा भी हो तो किसको नंबर वन पे यार? अगर पुलाव की बात करेंगे तो तौफीक का अच्छा है, और बिरयानी की बात करेंगे तो यही की अच्छी है। अल नाफे ज्वेलर्स वालों के पास और यहाँ पे पूछते हैं कि इनको कौन सी अच्छी बिरयानी लगती है। अस्सलाम वालेकुम भाई। भाई मैं तो रोज़ खाता हूँ, मुझे उसी की पसंद है। किसकी? अलहमरा वाले। अच्छा, सबसे अच्छी बिरयानी आपको यहाँ पे किसकी लगती है जो मैं ऑडियंस को बता सकते हैं? यहाँ पे है, यहाँ पे हाजी तौफीक के बेहतरीन बिरयानी, चिकन बिरयानी। चिकन बिरयानी जी, हाजी तौफीक बीफ में भी देता है। हाँ, आपको चिकन अच्छी लगती है? चिकन अच्छी लगती है। सही है, सही है। तो हाजी तौफीक आपको नंबर वन है, और किसी की अच्छी लगती है? और फिर यहाँ पे दूसरे पे है रेड ओवन। रेड ओवन की? रेड ओवन की कौन सी बिरयानी? बीफ बिरयानी। बीफ बिरयानी। कारोबार के लिए सुनहरी मौका 4K चौरंगी बाबा मोड से मुत्तसिल न्यू बोल्टन मार्केट, जहाँ आपको मिले कारोबार करने का बेहतरीन मौका। एक दुकान की कीमत में 2 दुकान, जमीन भी अपनी, छत भी अपनी। बुकिंग सिर्फ 3 लाख से, महाना किस्त 25,000। अ प्रोजेक्ट ऑफ ओलंपिक प्रॉपर्टीज। बीफ पुलाव, बीफ बिरयानी, चिकन बिरयानी। काउंटर पे तीनों चीजें चल रही हैं जी, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बड़ा करम है भाई। बिरयानी क्या हिसाब है उमर भाई? भाई 170 रुपए पाव है, 680 रुपए किलो है ये। सेम रेट भाई, पुलाव बिरयानी दोनों सेम रेट। टाइमिंग क्या है उमर भाई? भाई सुबह 11:30 से लेके रात 4 बजे तक। 1 किलो पुलाव। अच्छा, यहाँ से पार्सल के जा रहे होते हैं और ये बैठने वालों को भी दिया जाता है? जी जी जी, पार्सल का भी है। पकवान सेंटर है, गली के अंदर है सामने। अच्छा, जी जी जी। पूरा किचन है? पूरा किचन। ये सर 1980 का है। हाजी तौफीक की बीफ बिरयानी आ चुकी है, देखने से प्रेजेंटेशन जो है और खुशबू जो है ना बड़ी अच्छी आ रही है। हाय 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 हाय, अल्लाह का नाम लेते हैं, बिस्मिल्लाह करते हैं और टेस्ट करते हैं। अच्छा, ओवरऑल माशाल्लाह जो जायका आ रहा है बड़ी चटपटी। और ये आपके जी तकरीबन 340 रुपये जी आपको मिलती है। मुझे तो अच्छा जायका लगा जिसने रिकमेंड किया था, बेस्ट विशेस फॉर यू। और यहाँ आना वसूल है, लेकिन मतलब यहाँ आके वीडियो बनाना नॉट बैड, अच्छा जायका है। अगर आपने टेस्ट किया हुआ तो ज़रूर कॉमेंट करके बताएँ, और जिसने नहीं किया है अगर यहाँ से गुजर हो रहा है तो भाई मस्ट ट्राई। यहाँ का पुलाव भी बहुत मशहूर है जो लोग बहुत पसंद करते हैं, लेकिन बिरयानी भी किसी से कम नहीं है। शाह फैसल में हम हैं अभी, आप अपना अपनी रिकमेंडेशन बताएं आपको कि यहाँ पे कौन सी अच्छी लगती है, आपकी कौन सी फेवरेट बिरयानी। लाइक करें, शेयर करें। ज़्यादा यहाँ पे क्या मशहूर है या कि बीफ बिरयानी, चिकन बिरयानी, पुलाव क्या है? तकरीबन सभी चलता है हमारा। पुलाव अभी हमने हाल ही में नल्ली पुलाव सही है ओपन किया, तो वो धूम से चल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा माशाल्लाह, सही है सर। आप रमजानों में आते हो देखते हैं आप, तकरीबन अच्छा। रात 5 बजे तक सहरी तक लाइनें लगी हुई होती थी। क्या बात है। और ये आपके मटका बिरयानी का भी स्टाइल बड़ा यूनिक है, तो मटका में कैसे सर्व कर रहे होते? मटका और वैसे देग की बिरयानी में फ़र्क होता है या जायके में? बिल्कुल फ़र्क होता है। मटका बिरयानी एक इसलिए शुरू की थी कि किसी का मेहमान आ जाए उसको फ्रेश चाहिए, बिल्कुल गरम गरम चाहिए, तो 2 बंदों के लिए हमने तकरीबन रखी हुई, कम से कम 2 बंदों के लिए। इसमें 8% तक है
सही है। मकसद 2 से शुरू होगा और 8 बंदों तक है। सही है। मटकों के साइज आपको दिखा दिए गए, ठीक है, वो आप देख सकते हैं। मतलब जितने भी मेहमान आए वहाँ आपको ऑर्डर करें और मटका जो है रेडी आपके। बिल्कुल, हमारे पास फूड पांडा पे भी है, हमारी होम डिलीवरी है और फिर वॉकिंग कस्टमर है। ओके, खुद भी लेके जा सकते हैं और ऑर्डर भी कर सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल। रात 4 हमारे पास दोपहर 3 बजे से रात 3 बजे तक आपको मटका अवेलेबल मिलेगा। सही है। यहाँ पे बैठ गए हैं, मटका बिरयानी की मंगवाई है, थोड़ा सा डिफरेंस होता है। हाय 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 हाय, मटका आ गया हमारा, माशाल्लाह। ये भाई इस तरह की पैकिंग में आता है क्या? हाय हाय हाय, माशाल्लाह, ज़बरदस्त। वाइट चावल पहले प्लेट में निकाल दिया। ये मटका जो है तकरीबन 1-1.25 किलो का मटका होता है। 2 बंदे जो पेट भर के खाएंगे और 1 लिटल स्मॉल बच्चा जो है वो भी, मतलब एक छोटी फैमिली खा सकती है। हाय 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 हाय, ओफो ओहो, हाय हाय। ये सारी बोटियाँ हैं, हाँ 10-12 बोटियाँ हैं। अब ऊपर से ये चावल, बीफ पुलाव होता है, बीफ बिरयानी होती है। क्या प्रेजेंटेशन है, माशाल्लाह माशाल्लाह। रिवाज वाली बोटी भी डालते हैं और टेस्ट करके, हाय 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 हाय, टेस्ट करके भरपूर सा निवाला जो है अल्लाह का नाम लेते हैं और बिस्मिल्लाह करके टेस्ट करके बताते हैं कि याहिया की बिरयानी कैसी है। बिस्मिल्लाह, हाँ, चटपटी, ज़बरदस्त, मज़ेदार जैसी बिरयानी होनी चाहिए। और ओवरऑल जो खुशबू आपको महसूस हो रही है, प्रेजेंटेशन, बोटियाँ छोटियाँ और जो टेक्सचर है भाई, कहना बनता है कि ज़बरदस्त सीन है और अच्छी बिरयानी है। चैनल को सब्सक्राइब करें, टैग करें अपने दोस्तों यारों के साथ, शेयर करें। बस बिरयानी निकाल ले, अलमरा पे खड़े हुए। माशाल्लाह, नाम क्या आपका? मुनीब। मुनीब भाई, कौन सी बिरयानी चलती है यहाँ पे? धड़ाधड़ चिकन बिरयानी। यहाँ पे चिकन है जी? अच्छा, जाओ भाई, पार्टी जा रहे हैं जी। अच्छा माशाल्लाह, यहाँ पे कौन कौन सी होती है? बीफ होती है, चिकन है, बीफ है, जर्द है। बिरयानी कितने की है? 120 रुपये पाओ। 120 रुपये पाओ, सही है। 240 रुपये हो गई है। नॉर्मल प्लेट कितने की है? 240 रुपये की डबल बोटी। डबल बोटी के साथ जी। अलहमरा की बीफ बिरयानी, चिकन बिरयानी दोनों ही सुनी के बड़ी मशहूर है यहाँ पे। मैं आपको दिखा दूँ, चिकन बिरयानी है ये, ठीक है, और यहाँ पे आपकी आ गई बीफ बिरयानी, ठीक है। ये हमने मंगवाया 150 पाव, 120 रुपये जो है चिकन पाव, चिकन बिरयानी, और 100 रुपये बीफ बिरयानी है। तो बिल्कुल टेंडरनेस, टेंडर जो है बिल्कुल गली हुई बोटी है। अच्छा सा निवाला बनाते हैं और टेस्ट करके आपको बताते हैं। हाय हाय हाय, बिस्मिल्लाह। शादी वाली बिरयानी नहीं कहेंगे, लेकिन अच्छे जायके वाली बिरयानी शाह फैसल पे अलहमरा की बिरयानी मौजूद है। अगर आलू के शौकीन हैं तो आलू डलवा लें। अब चिकन बिरयानी इनकी टेस्ट करते हैं। और ये भाई बोटी आई है लेग पीस, ठीक है, अब लेते हैं निवाला। बोटी तोड़ते हैं, क्या बात, ज़बरदस्त, इंतहाई टेंडर बोटी है। ये चम्मच लगाते ही जो है गल रही है, ठीक है, और ये बन गया निवाला। तो अब हम इसको टेस्ट करते हैं और बताते हैं कि यहाँ चिकन बिरयानी क्या कहते हैं। मुझे जो जायके के लिहाज से लग रही है, नंबर 1 पे चिकन है, बीफ 2nd नंबर पे। जब आप वेसल कंप्लीट करेंगे तो फिर किसी और एरिया में आएंगे जहाँ पे आप हमें बताएंगे। अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या हाल चाल है? क्या नाम है आपका? शहबाज भाई, माशाल्लाह, ताज़ी ताज़ी पतीली किसकी आई है? ये कौन सी है? बीफ बिरयानी है। बीफ बिरयानी, हाय हाय हाय, क्या खुशबू आ रही है, माशाल्लाह, ज़बरदस्त। क्या हिसाब चल रही है यहाँ पे? 720 रुपये किलो है, माशाल्लाह। हाय हाय, नली भी होती है आपके पास? नली भी होती है, सेपरेट नली होती है अलग से। अच्छा, और नली का क्या हिसाब है? 140 रुपये। ये थाल जा रहा है, सही सही। ये कितना कितना थाल है? 1/2 किलो का, 1 किलो का? 1 किलो का थाल, 1 किलो का थाल है, माशाल्लाह, क्या बात है, जबरदस्त। उफो, क्या बात है, माशाल्लाह। आलू भी होता है इसमें? सही सही, फुल मसालेदार हैं, खुशबू तो अच्छी आ रही है। गोश्त वोश कैसा इस्तेमाल हो रहा है यार, बताएंगे थोड़ा? सामने देख लें आप। सही सही, बछिया होता है? माशाल्लाह माशाल्लाह, सही सही।
तो क्या टाइमिंग क्या होती है यहाँ पे? सुबह 1 से लेके रात 3 बजे तक है। आ जाओ भाई आ जाओ, ये 1.5 पाव आ गई हैं। माशाल्लाह बिरयानी आ चुकी है रेड ओवन की, ये मैं आपको दिखा दूँ 270 में ये क्वांटिटी है इनकी, ठीक है। बोटी वगैरह जो है मेरा ख्याल है 3 बोटियाँ इन्होंने दी हैं जो कि बड़े ही टेंडर हैं और मसालेदार है, खुशबू अच्छी आ रही है। अच्छा एक आलू भी इन्होंने ये साइज़ का दिया है, ठीक है। अब टेस्ट करते हैं, बिस्मिल्लाह करते हैं, अल्लाह का नाम लेते हैं और टेस्ट करके आपको बताते हैं कि रेड ओवन की बिरयानी बीफ बिरयानी कैसी है। ये साइज़ है भाई बोटी का और ये टेंडरनेस का जो है लेवल है। लेमन स्पाइसेस वाले चावल और गोश्त, इनके स्पाइसेस और जो गोश्त है वो सारी चीज़ें मिलके एक अच्छा फ्लेवर बना रही है। लेकिन थोड़ी सी बिरयानी कहेंगे गीली गीली है और लेकिन ओवरऑल जायका अच्छा है। अगर आपने ये टेस्ट किया हुआ यहाँ की बिरयानी तो आप बताएं कि आपको यहाँ की बिरयानी कैसी लगती है। शाह फैसल को हम कवर करने के बाद नेक्स्ट एरिया में जाएंगे। कौन से एरिया में आएँ आपने ज़रूर कमेंट करके बताना है कि आपके बेस्ट बिरयानी स्पॉट कौन सा है। नाम के साथ और एड्रेस के साथ हम वहाँ पहुँचेंगे और वहाँ की बिरयानी ज़रूर ट्राई करके आपको बताएँगे। मुझे नहीं इजाज़त, अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।